तो सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि स्थानीय कस्बा रेवसा सीएचसी में कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए अनवरत सैंपलिंग की जा रही। उसी परिपेक्ष में आज 29 सितंबर 2020 को रेवसा सीएचसी की प्रांगण में स्वास्थ्य टीम उपेंद्र के द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए करीब 61 लोगों की सैंपलिंग रैपिड किट के अंतर्गत की गई, जहां पर उसी में 61 लोगों में से ग्राम बरौली के निवासी संजय उर्फ सफल के का पुत्र 16 वर्षीय अनुपम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं पर जब इस बाबत में बात की गई अनंत मिश्र रेवसा सीएचसी प्रभारी से, तो उन्होंने बताया कि समुचित व्यवस्था न होने के कारण अनुपम पुत्र संजय और सफल पांडे को यलवन खैराबाद में शिफ्ट किया गया है, एम्बुलेंस से भेजा गया है। वहीं पर यह भी बताया कि करीब 61 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आप देख सकते हैं ये वही तस्वीरें हैं एक ग्राम बरौली की। उपेंद्र स्वास्थ्य टीम जिनके द्वारा आज 29 सितंबर 2020 को स्थानीय कस्बा रेवसा सीएचसी परिसर में सैंपलिंग की गई। कितने लोगों की सैंपलिंग की गई है और किन किन के अंतर्गत की गई है और कितने कोरोना पॉजिटिव कितने के नेगेटिव? आज टोटल 61 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से एक केस पॉजिटिव आया है। इस बच्चे का नाम अनुपम है, ये गांव बरौली निवासी है। और बाकी 60 टेस्ट जो है वो निगेटिव आए। 61 में एक पॉजिटिव है। अच्छा, और मतलब सब एंटी उससे अंतर सब रैपिड एंटीजन टेस्ट उनकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, 10 मिनट में आती है। अच्छा, अनुपम पिताजी का घर कहाँ है? बरौली। कहीं आप बाहर काम करते थे क्या? हाँ। अच्छा सर, आप जांच कराए थे कोरोना की तो पॉजिटिव निकला, नेगेटिव? पॉजिटिव। कई साल की उम्र है? 16 वर्ष। बरौली में घर है? Thank you.